भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान रामलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के प्रभारी श्रीमान ओम जी माथुर, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रामशंकर जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी और इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी और विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, ये ब्रज की भूमि है और यहां पर कण कण में श्री कृष्ण विराजमान है। और श्री कृष्ण का संदेश एक ही था, कर्म योग का। कर्म करते रहो, निरंतर कर्म करते रहो, अविरत कर्म करते रहो। और जिस धरती पर एक कार्यक्रम की रचना हुई है, वो कार्यक्रम गांव है दीनदयाल धाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इस छोटे से गांव में जन्म हुआ था। और श्री कृष्ण का संदेश था, कर्म करते रहो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संदेश था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, न थको न रुको न झुको, चलते ही रहो चलते ही रहो। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हर बार हम कार्यकर्ताओं को कहते रहते थे। भाइयों बहनों, आपने एक साल पूर्व चुनाव का निर्णय किया और आपने 30 साल के बाद दिल्ली में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उस सरकार को काम करते करते आज एक वर्ष पूर्ण हो रहा है। और जब एक वर्ष पूर्ण हो रहा है, तब या तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा जलसा कर देते, या हिंदुस्तान के किसी राज्य की राजधानी में बड़ा जलसा कर देते, शहर ऐसा पसंद करते कि जिस शहर की आबादी लाखों की हो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जब पार्टी ने कार्यक्रम की रचना तय की, तो मैंने कहा मेरा एक सुझाव है। उन्होंने कहा क्या सुझाव है? मैंने कहा मेरा मन करता है जिस दिन संसद के अंदर मुझे नेता के रूप में चुना गया था और सांसदों के बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संबंध में उनके सम्मुख में मैंने कहा था, ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, ये सरकार गरीबों के लिए है,
ये सरकार गरीबों के कल्याण के लिए है। आज 365 दिन के बाद मेरा मन करता था कि मैं हमारे भीतर जिस महापुरुष ने विचार बीज बोया था, गरीब के कल्याण के लिए जिंदगी खपाने की प्रेरणा दी थी, अंत्योदय का मार्ग दिखाया था, आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के जिंदगी की चिंता करने का जिस महापुरुष ने हमें मंत्र दिया था, मैंने पार्टी से प्रार्थना की कि अच्छा होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जहां जन्म हुआ था, मैं उस झोपड़ी के पास जाऊं, भले छोटा सा गांव हो, मैं वहां जाकर के नमन करूं और मैं 125 करोड़ देशवासियों को अपने 365 दिन के काम का हिसाब दूं। और इसलिए इसलिए आज मैं दीनदयाल धाम में आया हूं। भाइयों बहनों, अगर पिछली शताब्दी हिंदुस्तान के राजनीतिक चिंतन पर नजर करें तो ये बात माननी होगी कि भारत के राजनीतिक जीवन पर तीन चिंतकों का प्रभाव रहा है। प्रमुख रूप से तीन महापुरुषों के चिंतन ने भारत की राजनीति को दिशा दी है, प्रेरणा दी है। गांधी, लोहिया और दीनदयाल, ये तीन महापुरुष की छाया आज भी हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन पर है। और तीनों के राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक चिंतन में एक बात साफ नजर आती है, चाहे गांधी का राजनीतिक चिंतन हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राजनीतिक चिंतन हो, या चाहे राम मनोहर लोहिया जी का राजनीतिक चिंतन हो, इन तीनों के चिंतन में केंद्र बिंदु में इस देश का गरीब है, इस देश का गांव है, इस देश का किसान है, इस देश के गांव के कल्याण की बात है। और इसलिए इन तीन महापुरुषों ने हमें जो प्रेरणा दी है, उसी प्रेरणा को लेकर के आज हम देश में सुशासन देने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, ये जो चमत्कार दिखाई दे रहा है, ये जो परिवर्तन दिख रहा है, ये जो एक नया विश्वास पैदा हुआ है, चारों तरफ नए उमंग की लहर नजर आ रही है, किसके कारण? ये परिवर्तन किसके कारण आया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये परिवर्तन किसके कारण आया? ये लहर कहां से आई? ये बदलाव कहां से आया? भाइयों बहनों, पल भर सोच लीजिए कि अगर चुनाव 2014 में न हुए होते और शायद अगर मानो चुनाव आज हुए होते, एक साल उन्हें और मिल गया होता तो देश कितना डूब गया होता। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपने इतना बड़ा फैसला न किया होता तो आज देश की हालत क्या हुई होती। जब तक हम उन बातों का विचार नहीं करेंगे, तब तक हमें, हम कहां से निकले थे, कहां पहुंचे हैं, उसका सही सही अंदाज नहीं आएगा। आप मुझे बताइए, मैं सवाल पूछूं, जवाब देंगे आप लोग? सबके सब देंगे? आप मुझे बताइए, अगर आपने ये सरकार न चुनी होती
और वही सरकार रहने दी होती तो देश का हाल बदला होता, परिवर्तन आया होता। आप मुझे बताइए, पिछले साल जब यूपीए की सरकार थी देश के हाल बुरे थे कि नहीं थे? देश के दिन बुरे दिन थे कि नहीं थे? आए दिन एक घोटाला होता था कि नहीं होता था? रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलती थी कि नहीं चलती थी? रोज नया भ्रष्टाचार सामने आता था कि नहीं आता था? रोज नया घोटाला सामने आता था कि नहीं आता था? रोज अफसरों को जेल जाने की नौबत आती थी कि नहीं आती थी? नेताओं को जेल जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था? खेलकूद में से रुपये मार लिए गए थे कि नहीं मार लिए गए थे? कोयले में चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी? स्पेक्ट्रम में चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी? जरा आप अंदाज लगाइए, क्या हाल थे, कितने बुरे दिन थे, कितने बुरे कर्म थे, कितनी बुराइयों से भरा माहौल था। और तब जाकर के देश की जनता ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मैं आज पूछना चाहता हूं, एक साल का हिसाब मैं पूछना चाहता हूं आपको। ये परिवर्तन मोदी नहीं लाया, ये परिवर्तन आप लाए हैं। आप मुझे बताइए ये बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे काम बंद हुए कि नहीं हुए? बुरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए? बुरी सोच गई कि नहीं गई? बुरे हालात बदले कि नहीं बदले? भाइयों बहनों, पिछले एक साल में कहीं से कोई घोटाले की खबर आई है? जरा ताकत से बोलो, कोई घोटाले की खबर आई है? कोई भाई भतीजेवाद की खबर आई है? कोई रिमोट कंट्रोल की खबर आई है? कोई नेताजी के जामा दामाद का किस्सा सुना है? किसी नेताजी के बेटे का किस्सा सुना है? किसी नेता की बेटे की कहानी सुनी है? भाई बहनों, बुरे दिन गए कि नहीं गए? चोर लूट बंद हुए कि नहीं हुई? लूट 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 का जमाना गया कि नहीं गया? भाई बहनों, मैंने आपको वादा किया, मैंने आपको वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान संतरी बनकर के बैठूंगा। मैंने आपको वादा किया था मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान संतरी के नाते बैठूंगा और 125 करोड़ देशवासियों की मालिकी की जो तिजोरी है उस तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? मैंने वादा निभाया कि नहीं निभाया? वादा निभाया कि नहीं निभाया? मैंने चोर लूट के खेल बंद करवाए कि नहीं करवाए? भाइयों बहनों, ये दन्ना सेठों की जेब में बैठे हुए लोग, उन्होंने क्या किया था? कोयले की खदाने अपने चहेतों को कोड़ी के दाम दे दी थी। लूट लो, लूटो लूटो, हम भी लूटे तुम भी लूटो, लूटते रहो लूटते चलो। यही था कि नहीं था? भाइयों बहनों, पिछले चुनाव का मुद्दा था कोयले का, करीब करीब 2 लाख करोड़ के घोटाले का। एक साल के भीतर भीतर कोयले की खदानों का ऑक्शन किया गया, उसकी नीलामी की गई और अब तक 29 खदानों की नीलामी हुई है। 29, 200 की करनी थी 29 की हुई है
और 29 में करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा होने वाला है। बुरे दिन गए कि नहीं गए, बुरे दिन गए कि नहीं गए, लूटने वालों के दिन खत्म हुए कि नहीं हुए, अपने चहेतों को देश लुटा दिया जाता था बंद हुआ कि नहीं हुआ, ये पैसा किसके काम आएगा, ये पैसा किसके काम आएगा। हमने एक निर्णय किया कि ये जो पैसा आएगा उसमें से जहां पर मिनरल्स हैं, जहां खदाने हैं, इसका ऑक्शन होगा और कुछ पैसे उसका एक फाउंडेशन बनेगा। ज्यादातर ये कोयला हो, ये मिनरल्स हो, ये आदिवासी क्षेत्रों में है, जंगलों से जुड़ी हुई है। हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया कि कुछ परसेंटेज पैसा उसका उस डिस्ट्रिक्ट का फाउंडेशन बनेगा और उन पैसों का उपयोग वहां के गरीब आदिवासियों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा, वहां के गरीब लोगों के लिए खर्च किया जाएगा। भाइयों बहनों, कोयला पहले भी निकलता था लेकिन गरीब की भलाई के लिए कोई काम नहीं होता था, हमने नियम बनाया कि काम होगा। भाइयों बहनों, जब एक बार निर्णय करते हैं कि हमारे देश में बुरी या बुराइयों से मुक्ति पानी है, बुराइयों से मुक्ति पाने का काम किया है। भाइयों बहनों, कुछ लोग बड़े परेशान हैं, उनको परेशानी इस बात की है कि सब लोगों के तो अच्छे दिन आए लेकिन कुछ लोगों के बुरे दिन आए हैं, और जिनके बुरे दिन आए हैं उनको जरा परेशानी हो रही है, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि 60 साल तक दिल्ली के राजनीति के गलियारों में उन्हीं की आवाज सुनाई देती थी, उन्हीं के इरादों पर ही देश चलाया जाता था। दिल्ली में पावर सेंटर से ज्यादा पावर सर्कलों की बोलबाला थी और अभिमन्यु को तो 8 कोठे जीतने पड़े थे, यहां पर तो पावर सर्कल के पता नहीं सैकड़ों सर्कल बने हुए थे। और भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से वो पावर सर्कल के सैकड़ों कोठे ध्वस्त करके आज देश में दिल्ली के गलियारों में दलालों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके बुरे दिन आना बड़ा स्वाभाविक है, उनके बुरे दिन आना बड़ा स्वाभाविक है, और इसलिए वो जरा ज्यादा चीख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जिन लोगों ने देश को लूटा है उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी थी, और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यह देश लूटने नहीं दिया जाएगा। मैं संतरी मन करके बैठा हूं भाइयों बहनों, मैं प्रधान सेवक हूं लेकिन मैं एक प्रधान ट्रस्टी भी हूं। यह देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है, उसको लूटने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमने जिन बातों को केंद्र में रखा है उन बातों में हमारा प्रयास यही है कि सारे कारनामे देश में, देश इन कारनामों से मुक्ति होनी चाहिए, बुरे दिनों से मुक्ति, बुरे कामों से मुक्ति, बुरे इरादों से मुक्ति, बुरी नीयत से मुक्ति, बुरे कारनामों से मुक्ति 365 दिन में ये करके दिखाया है। और उसके कारण अगर कुछ लोगों को परेशानी होती है तो वो परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, ये उनको भी ध्यान रहना चाहिए। भाइयों बहनों, आजकल हम जानते हैं इस देश के एक प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है,
गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। बीच में पैसे लूट लिए जाते हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रबंध किया कि दिल्ली से रुपया निकले वो 100 के 100 पैसे गरीब के हाथ में जाने चाहिए। बीच में कोई बिचौलिया नहीं चाहिए, कोई दलाल नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जनधन योजना, 15 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुले, गरीब के खाते खुले। हमारे देश में आजादी के 60 साल के बाद भी गरीब को बैंक में जाने का अवसर नहीं मिला था। हमने काम किया और आज अगर वो नरेगा में काम करता है, गांव के अंदर मनरेगा में काम करता है, तो उसको अब कोई बीच में बिचौलिया और लूट नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री जनधन बैंक के खाते में अब उसके पैसे सीधे जमा होते हैं। चोरी लूट का कारोबार बंद करने में हमने सफलता पाई है और हमने चोरी लूट के कारनामों को बंद किया है। भाइयों बहनों, गैस की सब्सिडी, गैस सिलेंडर की सब्सिडी, हमने निर्णय किया ये गैस सब्सिडी में चोरी होती है उसको रोक लिया जाएगा। हमने सीधा बैंक अकाउंट में डालना तय कर लिया। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा काम, दुनिया में सबसे बड़ा काम आज हम करने में सफल हुए हैं और 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके बैंक खाते में सीधी सीधी गैस सिलेंडर की सब्सिडी पहुंचती है। और इसके कारण पहले करोड़ों गैस सिलेंडर जो काले बाजारी में बेच दिए जाते थे, काले धंधे किए जाते थे, भाइयों बहनों, आज उस पर रोक लग गई है क्योंकि अब बिचौलिए चले गए हैं और सरकार की तिजोरी को लूटने वालों के दिन पूरे हो गए हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में किसान को एक अच्छी जिंदगी मिले, 60 साल हो गए, 3 लाख से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है। इस पाप के जिम्मेवार कौन है इसकी मैं चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं। 3 लाख मरे या 1 मरे, लेकिन मरने वाला मेरा हिंदुस्तानी है, मेरा भाई है। सरकार किसी भी की क्यों ना हो, हमें इसमें राजनीति नहीं करनी है। हमें आरोप प्रत्यारोप के खेल नहीं खेलने हैं, हमें रास्ते ढूंढने हैं, मिल बैठ करके रास्ते ढूंढने हैं कि हमारा किसान आजादी के 60 साल के बाद परेशान क्यों है। भाइयों बहनों, किसान मेहनत करना जानता है, उसे अवसर मिलना चाहिए। आज उसकी जमीन पूरी तरह नष्ट होती चली जा रही है, बीमारियों से ग्रस्त है उसकी जमीन, जितनी फसल निकलनी चाहिए निकल नहीं पा रही है, मेहनत पानी में जा रही है। हमने निर्णय किया सॉइल हेल्थ कार्ड, और सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा हमने कहा किसान को कि आने वाले 3 साल में हिंदुस्तान के हर एक किसान के हाथ में सॉइल हेल्थ कार्ड होगा। उसकी जमीन की तबीयत कैसी है, उसकी जमीन में बीमारी क्या है, उसकी जमीन में कौन सी फसल हो सकती है, उसकी जमीन के लिए कौन सा खाद चाहिए कौन सा खाद नहीं चाहिए, उसकी जमीन में कौन से कीटनाशक डालने चाहिए कौन से कीटनाशक नहीं डालने चाहिए। जैसे मनुष्य को ब्लड टेस्ट करके तय किया जाता है कि ये दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वैसे जमीन के लिए भी तय किया जा सकता है। मैंने बिड़ा उठाया है हिंदुस्तान के किसानों की जमीन की तबीयत का हाल पूछने का। मैंने बिड़ा उठाया है हिंदुस्तान के किसानों की जमीन की तबीयत को ठीक करने का। और एक बार जमीन की तबीयत ठीक हो, किसान को पानी चाहिए। और इसलिए हमने तय किया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,
आने वाले 5 साल में नदियों को जोड़ने का काम हो, बारिश के पानी को रोकने का काम हो, पानी को पहुंचाने का काम हो, जल संचय का काम हो, पर ड्रॉप मोर कॉप का संकल्प हो, टपक सिंचाई हो, माइक्रो इरिगेशन हो, इन सारे मार्गों के माध्यम से हम किसान को पानी पहुंचाना चाहते हैं, हम किसान को बिजली देना चाहते हैं। हमने संकल्प किया है 5 साल के भीतर भीतर 24 घंटे किसान को बिजली क्यों न मिले। और भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं, पिछले 30 साल में जितनी बिजली का उत्पादन नहीं होता था, आज उतना बिजली का उत्पादन करने में हम सफल हुए हैं। फिर भी अभी जरूरत तो ज्यादा है, लेकिन इतना अगर 1 साल में हो सकता है तो 5 साल में क्या कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए किसान को अच्छी जमीन बने, समय पर पानी मिले, जरूरत पर बिजली मिले, उसे चाहिए अच्छे बीज, चाहिए सस्ते बीज चाहिए। फसल एक बार बोने के बाद अगर बीज बुरा निकल गया तो उसका तो साल खराब हो जाता है। उसके लिए सरकार ने आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए यह पक्का किया है कि किसान को सही कीमत पर, सही समय पर सही बीज उपलब्ध हो, ताकि मेरा किसान, उसको कोई आशंका न रहे, संकट महसूस न हो। उसको खातर चाहिए। आज यूरिया का संकट क्यों है भाइयों बहनों? पिछले कितने ही वर्ष हो गए, सबको पता है किसान को यूरिया के बिना नहीं चलेगा, लेकिन यूरिया के कारखाने, उस पर कोई काम नहीं हुआ। भाइयों बहनों, हमने किसान को यूरिया मिले, इसलिए किस प्रकार से सरकार काम कर रही है आप देखिए। खाद्य मिले उसको, उर्वरक मिले, इसके लिए हमने पहला काम किया है। आज जो उर्वरक के कारखाने हैं, फर्टिलाइजर के कारखाने हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना। और भाइयों बहनों, एफिशिएंसी बढ़ाने से 20 लाख टन यूरिया का उत्पादन बढ़ने वाला है, 20 लाख टन। इससे विदेशों से जो यूरिया लाते हैं, 4000 करोड़ रुपया बचने वाला है। और उसके कारण मेरे किसान को समय पर जितना चाहिए इतना यूरिया मिलने वाला है। हमने दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय किया है, हमारे इसी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में कारखाना बंद पड़ा था, सपने दिखाए गए थे, कोई काम नहीं हो रहा था। सिंदरी में काम नहीं हो रहा था, बरौनी में काम नहीं हो रहा था, ये सारे पूर्वी हिंदुस्तान के इलाके हैं। हमने निर्णय किया, हजारों करोड़ रुपया की लागत से इन तीनों जगह पर उर्वरक के कारखाने लगाए जाएंगे, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, किसानों को यूरिया दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आसाम के अंदर नामरूप में एक ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर बंद पड़ा है, पुरानी मशीन है, कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको आधुनिक बनाने का निर्णय किया है। एक काम के पीछे किस प्रकार से लगते हैं, हमने एक महत्वपूर्ण काम किया है, उर्वरक के कारखानों को गैस की जरूरत पड़ती है। पहले ये सरकार ऐसी थी, एक कारखाने को एक दाम, दूसरे कारखाने को दूसरा दाम, तीसरे कारखाने को तीसरा दाम। हमने आकर के निर्णय कर लिया, सभी फर्टिलाइजर के कारखानों को एक ही दाम से गैस मिलेगा और उनकी एफिशिएंसी को नापा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया है, ये जो लोग बड़े परेशान है ना, उनकी परेशानी का एक और कारण बताता हूं। हमने फर्टिलाइजर पर, यूरिया पर
नीम का कोटिंग लगाना शुरू किया है। नीम का कोटिंग लगाते हैं और नीम का कोटिंग लगाने के कारण जो फर्टिलाइजर सब्सिडी तो मिलती थी लेकिन किसान के पास नहीं पहुंचता था, जो उर्वरक केमिकल फैक्ट्रियों में चोरी करके उठा के ले जाया जाता था और उसमें से और चीजें बनाई जाती थी, किसान यूरिया के लिए मरता था। ये जो धन्ना सेठ थे, उद्योगकार थे, वो फर्टिलाइजर चुरा करके अपनी केमिकल फैक्ट्रियां चलाते थे। हमने फर्टिलाइजर पर नीम कोटिंग कर दिया, अब वो किसी भी केमिकल की फैक्ट्री को काम नहीं आएगा, अब उसका कोई उपयोग ही नहीं होगा। और नीम कोटिंग करने के कारण किसान को जो नाइट्रोजन की जरूरत होती है खेत में, वो फर्टिलाइजर के साथ नीम कोटिंग के कारण नाइट्रोजन मिलेगा। पहले अगर उसको 100 किलो यूरिया की जरूरत थी तो नीम कोटिंग के कारण 90 किलो से उसका काम चल जाएगा, उसकी जमीन की रक्षा होगी, उसके खर्च की रक्षा होगी और चोर लुटेरों के दुकानें बंद हो जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं। मैं ये विषय इतना विस्तार से इसलिए बताया कि एक विषय हम लेकर के किस प्रकार से काम करते हैं, आपको हैरानी होगी। हमारे देश में रेलवे और रोड, उनके बीच झगड़े ही चलते थे। रेलवे भी भारत सरकार की, रोड का डिपार्टमेंट भी भारत सरकार का, लेकिन कभी मिल बैठ के काम नहीं करते थे। रोड वाला कहता था कि हमें रेलवे के ऊपर ब्रिज बनाना है, तो रेलवे वाला तीन तीन चार चार साल तक उस फाइल को दबा करके बैठ जाता था। एक गांव से दूसरे गांव पानी ले जाना है और बीच में रेल की पट्टी आ रही है तो नीचे से रेल वाला पाइपलाइन लेने नहीं जाने देता था। भाइयों बहनों, हमने सबको बिलाया, बिठाया, नियम बनाए और आज रेल की पटरी से अगर रोड ले जाना है या रोड के बीच से नई रेल लानी है, एक सप्ताह के अंदर निर्णय हो जाते हैं। एक सप्ताह के अंदर अगर किसी गांव को पानी पहुंचाना है तो रेल वाला रोक नहीं सकता। सरकार कैसे चलनी चाहिए? हम कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये इसका नमूना है। जो काम तीन तीन चार चार साल तक नहीं होते थे, वो काम आज हम करने में सफल हुए हैं। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, आपको मालूम है कि ये लोग पहले के जमाने में हमारे देश के सामान्य मानवी पर शक किया जाता था, शक किस बात का किया जाता था? अगर आप कोई अर्जी करते हैं तो किसी कॉरपोरेटर के पास, किसी एमएलए के पास, किसी मामलतदार के पास आपको थप्पा मरवाना पड़ता था कि ये जो जेरोक्स कॉपी है वो सही है। क्यों भाई? कॉरपोरेटर सही, एमएलए सही, एमपी सही, मामलतदार सही और मेरे देश का नागरिक झूठा, ये किस बात का कहा है? हमने कह दिया आपको कोई थप्पा लगाने के लिए, कतार लगाने की जरूरत नहीं है। आप खुद लिख दीजिए कि मैं ईमानदारी से कहता हूं ये सर्टिफिकेट मेरा है, कोई सर्टिफिकेट लेने के जाने की जरूरत नहीं है। नियम बदला के नहीं बदला, हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों पे हमने भरोसा करना सिखाया है और आज हमने वो बदलाव लाया है। भाइयों बहनों, ये लोग गरीबों की बातें करने वाले, इन्होंने कितना बड़ा पाप किया है, कितना बड़ा पाप किया है। मैं जब सरकार में आया तो मुझे पता चला के सरकार के खजाने में 27,000 करोड़ रुपया, कितने 27,000 करोड़ रुपया, कितना जरा बताओ ना, 27,000 करोड़ रुपया कितना सरकार की तिजोरी में कई वर्षों से 27,000 करोड़ रुपया सड़ रहा था। मैंने पूछा ये पैसे किसके हैं भाई? आपको जानकर के होगारी हो गई, हमारे देश के गरीब के पैसे हैं, मजदूर के पैसे हैं। जब वो कारखाने में नौकरी करता था उसके पैसे काटे जाते थे, दो तीन साल में बेचारा नौकरी छोड़ के चला जाता था, वो पैसे वहीं के वहीं रह जाते थे। कहीं दूसरी जगह पे जाता था फिर काटे जाते थे, फिर कहीं और चला जाता था।
उसकी नौकरियां बदलती जाती थी और पैसे कटते जाते थे, पैसे सरकार में जमा होते थे, लेकिन उसे मालूम नहीं रहता था कि पहले में कितना काटा, दूसरी नौकरी में कितना गया, तीसरी में कितना गया, कहां पैसा पड़ा है। और कभी पता चलता था तो 50-100 रुपया लेने के लिए जाता नहीं था। ये गरीब के खून के पसीने के पैसे, 27,000 करोड़ रुपया, ये गरीबों के नाम पर बात करने वालों ने अपनी तिजोरियों में बंद करके रखा हुआ था। मेरे भाई, हमने आकर के निर्णय किया, एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने कहा हिंदुस्तान में मजदूरी करने वाले जो लेबरर्स हैं उनको एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड नंबर दिया जाएगा, यूनिक नंबर दिया जाएगा। वो जहां भी नौकरी जाएगा वो नंबर उसका साथ चलेगा, और जैसा उसका पैसा कटेगा उस नंबर के साथ साथ पैसा भी उसके साथ चलता जाएगा, और जब उसको उठाना होगा सारे के सारे पैसे एक साथ उठा सकता है। भले उसने नौकरी कलकत्ते में शुरू की हो और आखिरी नौकरी मुंबई में कर रहा हो, सारे पैसे कलकत्ते वाले भी मुंबई आ जाएंगे, गरीब को पैसा मिलेगा। आप मुझे बताइए, ये मजदूर को उन्होंने चिंता की थी क्या? ये गरीब की चिंता की थी? 27,000 रुपया लूट करके बैठ गए थे। हमने उसका निर्णय किया, रास्ता खोजा। क्यों? क्योंकि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आशीर्वाद से बनी हुई है, उनके चिंतन से चली है, जो गरीबों के लिए बनी सरकार है, और इसलिए मजदूरों के कल्याण के लिए इतना बड़ा फैसला कर लिया। और आज अब गरीब के पैसे कोई लूट नहीं पाएगा, और उन 27,000 करोड़ भी उनको बताया है, आप बता दीजिए, आप पैसा आप जहां होंगे वहां मैं जमा करवा दूंगा, एक पाई सरकार नहीं रखेगी, गरीब के हक का पैसा गरीब को दे दिया जाएगा। ये काम ये सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, आपको मालूम होगा हमारे देश में कई लोग हैं जिनको कोई न कोई कारण से पेंशन मिलता है, जिनको पेंशन मिलता है। आपको हैरानी होगी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 7 रुपया पेंशन मिलता था, किसी को 27 रुपया मिलता था, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 250, और वो बेचारा पेंशन लेने के लिए ऑटो रिक्शा में जाता था तो पेंशन से ज्यादा ऑटो रिक्शा का खर्चा होता था। ये गरीबी में 5 रुपया, 7 रुपया, 50 रुपया पेंशन से क्या करेगा। भाइयों बहनों, मेरी सरकार ने आकर के निर्णय किया, 32 लाख लोग ऐसे हैं, 32 लाख जिनको 100 रुपया, 200 रुपया से ज्यादा पेंशन नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, ये गरीबों के लिए समर्पित सरकार ने आते ही निर्णय किया, उनको 1,000 रुपये का पेंशन मिलेगा, और पिछले 1 साल से लगातार इन गरीब पेंशनरों को 1,000 रुपया पेंशन रेगुलर मिलता है। भाइयों बहनों, पहले सरकार कैसे चलती थी? जो सरकार में नौकरी की हो, कितना ही बड़ा अफसर क्यों न रहा हो, लाखों रुपया का तनख्वाह क्यों न मिला हो, लेकिन रिटायर होने के बाद जब घर जाता था, पेंशन मिलना शुरू होता था, लेकिन हर वर्ष उसको सरकार में जाकर के सबूत देना पड़ता था कि मैं जिंदा हूं, जिंदा होने का सबूत देना पड़ता था। भाइयों बहनों, टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, क्या आज भी 90 साल की उम्र का व्यक्ति अगर उसे पेंशन मिलता है वो जाकर के सबूत देगा कि मैं जिंदा हूं? हमने टेक्नोलॉजी की मदद ली, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हमने स्थिति ये पैदा की है कि किसी भी पेंशनर को हर वर्ष जिंदा होने का सबूत देने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी के द्वारा यह निर्णय हो जाएगा कि उसका पेंशन जारी रहना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर सामान्य मानवीय के प्रति हमारी संवेदनाए हो, सामान्य मानवीय की चिंता करने का अगर हमारा मकसद हो, तो नई नई चीजें आती रहती है, परिवर्तन लाने का प्रयास होता रहता है, और हमने किया है। भाइयों बहनों, मैंने पहले भी कहा था, पिछले चुनाव में मैंने कहा था, भाइयों बहनों, मैंने कहा अगर मेरा बस चले तो मैं देश में
रोज एक कानून खत्म कर दूं, ऐसा मैंने कहा था। हिंदुस्तान का सामान्य मानवी ये कानूनों के जंगल में दबा पड़ा है, उसको अपना हक क्या है, अपने लिए क्या सुविधा है, वो कौन सा कानूनी रास्ता है जहां से मैं आगे बढ़ सकता हूं, उसे पता तक नहीं था। भाइयों बहनों, ये कानूनों का ढेर, ये कानूनों का जंगल, समय रहते बदलाव की जरूरत थी। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं करीब 1300, करीब 1300 कानून, कई कानून मैंने समाप्त कर दिए, कई कानून समाप्त करने वाला हूं। आने वाले दिनों में 1300 कानून समाप्त हो जाएंगे, बोझ कम हो जाएगा देश पर। एक के बाद एक निर्णय हम करते चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना ली, 15 करोड़ लोगों ने खाते खुलवाए। आज हमने जन सामान्य की सुरक्षा का बीड़ा उठाया। आज 12 रुपये में कफन भी नहीं मिलता मेरे भाइयों बहनों, 12 रुपये में कफन नहीं मिलता है। मेरी सरकार ने योजना लाई है 1 साल के 12 रुपये, हर महीने का 1 रुपया। शांत रहिए भैया, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। भाइयों बहनों, 1 महीने का 1 रुपया, हिंदुस्तान का गरीब से गरीब व्यक्ति भी महीने का 1 रुपया निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है? मुझे बताइए, निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है? 12 रुपये 12 महीने में निकाल सकता है नहीं निकाल सकता है? 12 रुपये में वो अब अपना बीमा ले सकता है, और उसके जीवन में कुछ हुआ तो 2 लाख रुपया उसके परिवार को मिलने की व्यवस्था कर दी। भाइयों बहनों, हमने एक जीवन रक्षा बीमा निकाला है 1 दिन का 1 रुपया, साल भर का 330 रुपया, और उसके कारण अगर उसके जीवन में कोई तकलीफ आई, नेचुरल परिस्थिति में आई, अकस्मात नहीं, सामान्य जीवन में, तो भी उसके परिवार को रोने की नौबत नहीं आएगी, 2 लाख रुपया उसके परिवार को मिल जाएगा। भाइयों बहनों, ये सरकार सामान्य मानवी के लिए है, ये सरकार गरीब के लिए है। अरे, आपके घर में झाड़ू पोता लगाने वाली महिला का भी अगर रोज का 1 रुपया आप दे देंगे, उसको तो जीवन की रक्षा मिल जाएगी। आपके खेत में काम करने वाले मजदूर, उसका महीने भर का 1 रुपया आप खर्च कर देंगे, उसकी तो जिंदगी बदल जाएगी। और मेरी समाज के सभी लोगों से आग्रह है कि आपके यहां कोई काम करने वाला हो, गरीब आदमी हो, आप इस योजना उसके नाम कर दीजिए, आपको कोई आर्थिक बोझ नहीं होगा, उसकी तो जीवन बच जाएगा। और हर व्यक्ति, हमारा ड्राइवर हो, हमारे घर में खाना पकाने वाला हो, हमारे घर में झाड़ू पोता करने वाले हो, हमारे बच्चों को स्कूल ले जाने वाला हो, हमारे बच्चों को ले जाने वाला ऑटो रिक्शा वाला हो, हम इतना तो कर सकते हैं, हम उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम ऐसी जीवन व्यवस्था लाना चाहते हैं जहां समाज एक सुरक्षा का अनुभव करे, और सुरक्षा का अनुभव करे, उस दिशा में हमने काम करने के लिए हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है। भाइयों बहनों, आपने कभी कल्पना की थी कि हमारे देश का किसान 60 साल के बाद उसको पेंशन मिल सकती है? घर काम करने वाली महिला 60 साल के बाद उसको पेंशन मिल सकती है? भाइयों बहनों, अगर आप 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं, और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार उसमें पैसे डालेगी, और आपको कभी बुढ़ापे में किसी के पास हाथ फहराने की नौबत नहीं आएगी, आपका बुढ़ापा भी सीख जाए। और आप जो पैसा जमा कराएंगे, आपके स्वर्गवास के बाद वो पेंशन आपकी पत्नी को मिलेगा, आपकी पत्नी के स्वर्गवास के बाद वो पैसा जितना है
करीब करीब 8 लाख रुपया आपके बच्चों को वापस दिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं एक एक जीवन सुरक्षित बनाने के लिए किस प्रकार से काम किया जाता है। इन काम को लेकर के हम चले हैं और उसी को लेकर के आज हमारी सरकार समाज जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, महंगाई अगर आपने सरकार न बनाई होती तो पता नहीं महंगाई ने क्या हाल कर दिया होता। हमने महंगाई को रोकने में सफलता पाई है। जिस प्रकार से महंगाई तेज गति से बढ़ रही थी उसको रोकने में हमने सफलता पाई है, कुछ कुछ मात्रा में कम करने में सफलता पाई है। इतना ही नहीं, विदेशी पूंजी, भाइयों बहनों, जब पिछली सरकार का आखिरी वर्ष था उस वर्ष में 3000 करोड़ रुपया विदेशी पूंजी आई थी, 3000 करोड़ रुपया, और एक साल के भीतर भीतर 25000 करोड़ रुपया विदेशी पूंजी आई है, 8 गुना ज्यादा, 8 गुना ज्यादा। भाइयों बहनों, दुनिया में आज भारत के प्रति भरोसा पैदा हुआ है और उसके कारण विदेशी पूंजी यहां आ रही है। इतना ही नहीं, पहले हमारे उद्योगकार, हमारे व्यापारी, वो यहां का काला धन जो ले जाते थे वो तो अलग, लेकिन व्हाइट धन भी ले जा रहे थे, सफेद धन भी ले जाते थे। वे अपने उद्योग यहां बंद करके दुनिया के और देशों में उद्योग लगाना शुरू कर दिया था। एक पैर यहां रखते थे, एक पैर विदेश में ले जाते थे। उनको लगता था कि हिंदुस्तान का कोई भविष्य नहीं है। भाइयों बहनों, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, एक साल के भीतर भीतर पिछली सरकार के आखिरी वर्ष में जो रुपये हिंदुस्तान के सफेद धन विदेश चला गया था, इस बार उसमें करीब 90% कमी आई है। 90% मतलब कि वो पैसा हिंदुस्तान में रहा, मतलब कि वो पैसा हिंदुस्तान में लगा, मतलब कि हिंदुस्तान के नौजवान को रोजगार मिला। भाइयों बहनों, मैंने आपसे कहा था हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, हिंदुस्तान को अगर गरीबी से लड़ना है तो हिंदुस्तान में नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिस टूरिज्म में रोजगार की संभावना है। अगर मथुरा में ज्यादा टूरिस्ट आते हैं तो मथुरा में चना बेचने वाला भी कमाता है, बिस्किट बेचने वाला भी कमाता है, गेस्ट हाउस वाला भी कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, चाय बेचने वाला भी कमाता है। टूरिस्ट अगर ज्यादा आते हैं तो गरीब से गरीब को रोजगार मिलता है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि भाइयों बहनों, पिछले एक साल में पहले की तुलना में 6 लाख टूरिस्ट ज्यादा आए, 6 लाख, 6 लाख टूरिस्ट ज्यादा आने के कारण आज मेरे देश के जिन जिन इलाकों में वो गए हैं वहां पर नौजवानों को रोजगार का अवसर मिला है। हमने स्किल डेवलपमेंट चालू किया है, ये स्किल डेवलपमेंट के कारण हमारे देश के नौजवानों को हुनर मिले, वे रोजी रोटी कमाने की उनकी ताकत बढ़े, उस दिशा में हमने काम किया है, सफलतापूर्वक काम किया है। लेकिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, हिंदुस्तान में रोजगार कौन देता है? कुछ लोगों की कल्पना ऐसी है कि बड़े बड़े जो उद्योगपति है ना, वो रोजगार देते हैं। जी नहीं, ये बड़े बड़े उद्योगपति ज्यादा रोजगार नहीं दे पाते। कितने ही बड़ी कंपनियां क्यों ना हो, वो ज्यादा रोजगार नहीं दे पाते। रोजगार कौन देता है? इस देश में करीब करीब 6 करोड़ जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे कारखाने वाले हैं, सब्जी का ठेला चलाते हैं, घर में कपड़े की सिलाई करते हैं, दूध बेचते हैं, अखबार बेचते हैं, ऐसे 6 करोड़ लोग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, 12 करोड़ लोगों को। और ये 7 सामान्य लोग हैं, बैंक वाले उनको पैसे नहीं देते। 10000 रुपया चाहिए, बैंक वाला मना कर देता है, उसको साहूकार के पास जाना पड़ता है,
ऊंचे ब्याज से पैसा लेना पड़ता है। मेरा संकल्प है ये जो 6 करोड़ लोग हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, कम से कम ब्याज से मिलना चाहिए, जब चाहिए तब मिलना चाहिए, और 10,000 रुपया से लेकर के 10 लाख रुपया तक मिलना चाहिए। चाहे वो सब्जी बेचता हो, दूध बेचता हो, अखबार बेचता हो, वो बर्तन बेचता हो, कपड़े बेचता हो, वो धोबी का काम करता हो, नाई का काम करता हो, और उसको हाथ में पैसा आएगा, वो अपना काम बढ़ाएगा, वो 1 या 2 लोगों को रोजगार देगा। आज वो 12 करोड़ को रोजगार देता है, वो 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे सकता है। इसलिए इसलिए हमने मुद्रा बैंक को जन्म दिया है। ये मुद्रा बैंक इन सामान्य लोगों को पैसे देगी, 10,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक पैसे देगी, और मैं कहता हूं हिंदुस्तान की आर्थिक गतिविधि को ये मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, खुद काम करके बिजनेस करने वाले, खुद मेहनत करके कमाने वाले लोग करते हैं। मुझे उनको ताकत देनी है, इन मध्यम वर्ग के परिवारों को ताकत देनी है, और उनको ताकत देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम भाइयों बहनों हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, हमारा सपना है। 60 साल हो गए, मुझे बताइए क्या हमारी माताओं बहनों को टॉयलेट का भी अधिकार नहीं है क्या? क्या आजादी के इतने साल के बाद भी गांव के अंदर हमारी माताओं बहनों को अंधेरे का इंतजार करना पड़े शौच जाने के लिए? जब तक अंधेरा न हो वो बेचारी शौच न जा सके, भाइयों बहनों शर्मिंदगी हो सकती है। हमारी मां बहनों की इज्जत, ये हमारा दायित्व है, और इसलिए मैंने उठाया है, वो आह्वान किया है, मैंने राज्य सरकारों को कहा है, आइए आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें, और हमारी माताओं बहनों को ये जो बेइज्जती होती है बंद होनी चाहिए। हर गांव में टॉयलेट हो, हर घर में टॉयलेट हो, शौचालय की व्यवस्था हो, उस काम को मैं लेकर के चला हूं। मैंने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है। आप मुझे बताइए क्या हमारा देश गंदा रहना चाहिए क्या? आप मुझे बताइए गंदा रहना चाहिए क्या? हमारा गांव गंदा रहना चाहिए क्या? हमारा मोहल्ला गंदा रहना चाहिए क्या? और ये गंदगी की परेशानी किसको होती है? ये गंदगी के कारण कोई उद्योगपति को परेशानी होती है क्या? कोई मिल मालिक को परेशानी होती है क्या? कोई धन्ना सेठ को परेशानी होती है क्या? ये गंदगी की मुसीबत गरीब को झेलनी पड़ती है। गंदगी के कारण बीमारी आती है तो गरीब के घर में आती है। गंदगी की बीमारी के कारण अगर बच्चा मरता है तो गरीब का बच्चा मरता है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि गंदगी के कारण एक गरीब परिवार को हर वर्ष 7,000 रुपया दवाई के पीछे खर्च होता है। मैं मेरे गरीब को बचाना चाहता हूं, इसका दवाई का खर्चा ना बचाना चाहता हूं, और इसलिए हम हिंदुस्तानियों को गंदगी करने का अधिकार नहीं है। हम गंदगी करेंगे नहीं, हम गंदगी होने देंगे नहीं। ये 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प होना चाहिए। काम कठिन है, काम कठिन है, लेकिन करना है। हमारा देश गरीबों को गंदगी में जीने के लिए मजबूर करे, ऐसा ये भारत माता नहीं हो सकती। हमारी भारत माता मैली नहीं हो सकती, हमारी भारत माता गंदी नहीं हो सकती। हमारी यमुना जी, हमारी गंगा मां क्या हाल करके रखा है भाइयों बहनों? चाहे गंगा हो यमुना हो, दोनों मेरी मां है, और इसलिए चाहे गंगा के पानी का सवाल हो, चाहे यमुना के पानी का सवाल हो, मैं आपको भरोसा देता हूं भाइयों बहनों, हम इन सारे कामों को करने के लिए आए हैं, इन कामों को करके रहेंगे। आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका सहकार चाहिए। अगर ये मिलता रहा, ये मिलता रहा, तो हम इसको पूर्ण करके देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों बहनों, 60 साल के बाद क्या गरीब को रहने के लिए घर चाहिए कि नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए गरीब को घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसमें बिजली हो ऐसा घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसमें शौचालय हो ऐसा घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने बीड़ा उठाया है,
2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी अपना खुद का घर होना चाहिए। यह काम मैंने जिम्मे लिया है भाइयों बहनों, और मैं लगा हूं पूरी देर। 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, गरीब के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब को सस्ते में दवाई मिलनी चाहिए। एक के बाद एक कदम हमारे देश के उन लोगों के में लगा रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं एक ऐसी फौज तैयार कर रहा हूं जो फौज गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। एक एक मेरा गरीब, मैं उनको इतना एम्पावर करना चाहता हूं, उनका सशक्त बनाना चाहता हूं कि मेरे गरीब भाई बहन ही गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली मेरी फौज बन जाएगी, मेरे सैनिक बन जाएंगे, और गरीब और हम मिलकर के गरीबी को परास्त करेंगे, देश को गरीबी से मुक्त करेंगे, देश को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, विश्व में भारत अपना नाम रोशन करे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उसके लिए एक के बाद एक कदम हम उठाते चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, 365 दिन मैंने जो काम किया है, सरकार ने जो काम किया है, अगर मैं सारा गिनाने जाऊं तो 365 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। भाइयों बहनों, हर पल नया निर्णय किया है, हर पल नया इनिशिएटिव लिया है, हर पल परिवर्तन का प्रयास किया है। और मैंने आपको कहा था, मैं कभी चैन से बैठूंगा नहीं, मैं कभी वैकेशन नहीं लूंगा, मैं कभी आराम नहीं करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, कोई शिकायत है क्या आपकी? कोई शिकायत है क्या? जरा मुझे दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दीजिए। कोई शिकायत है क्या आपकी? दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे ताकत दीजिए, ताकि मैं आपकी सेवा में, आपकी सेवा में कोई कमी ना रखूं। भाइयों बहनों, जिनके दिन बुरे आए हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उनको चीखना ही है, चीखने दीजिए। उनकी परेशानियां मैं समझ सकता हूं, लेकिन देश हम ऐसे चलाएंगे कि बुरा करने वालों के और बुरे दिन आते रहेंगे, बुरा करने वालों के बुरे कारनामे बंद होके रहेंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, एक संकल्प के साथ हम चले हैं, उस संकल्प के अंदर मुझे आपका साथ और सहकार चाहिए। देश का किसान हो, देश का गरीब हो, देश का कल्याण करने का सपना लेकर के हम चले हैं। और इतनी भयंकर गर्मी में मुझे बताया गया कि आप 3-3 घंटे से आकर के बैठे हैं और कोई हिलने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपके प्यार को इस छोटे से गांव में, दीनदयाल धाम में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरणा लेकर के, आपके आशीर्वाद से एक नई ताकत लेकर के, आपके लिए समय का हर क्षण, शरीर का हर कण, पल पल आपको समर्पित करने का फिर एक बार संकल्प करते हुए ये भारत माता जगत गुरु का स्थान प्राप्त करे, 125 करोड़ देशवासी सुख शांति की जिंदगी जिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा, गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनके कल्याण के लिए समर्पित ये सरकार आने वाले दिनों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, सामान्य मानव की जिंदगी में बदलाव लाएगी। इसी एक विश्वास के साथ फिर एक बार आपको नमन करता हूं, दीनदयाल धाम की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आशीर्वाद लेकर के नए वर्ष का आरंभ करने जा रहा हूं। इसी आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत